जलंधर की रहने वाली गुरमेहर कौर ने भले ही एबीवीपी के खिलाफ अपना कैंपेन वापस ले लिया है और पूरे मामले से अलग कर लिया है, लेकिन इस मामले पर ट्विटर वॉर जारी है। इस पूरे मामले में कई जानी मानी हस्तियां कूद पड़ी हैं। कई बड़े खिलाड़ियों और फिल्म सितारों ने गुरमेहर कौर की उस टिप्पणी पर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारा। दरअसल गुरमेहर के पिता शहीद हो गए थे। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया, जिस पर रणदीप हुड्डा ने भी कमेंट किया। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया था कि उन्होंने दो तिहरे शतक नहीं लगाए बल्कि उनके बल्ले ने ऐसा किया। इसके बाद पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी एक वायरल तस्वीर अपनी ट्विटर हैंडल में ट्वीट की। उसके बाद मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया, जिसने घमासान खड़ा कर दिया। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की बेटी को ट्रोल करता है तो बात समझ में भी आती है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या परेशानी है। जावेद अख्तर के इसी ट्वीट के बाद पहलवान योगेश्वर दत्त ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जी आपने कविता कहानी की रचना की तो हमने भी कुछ कारनामे कर छोटा ही सही, भारत के लिए विश्व पटल पर इतिहास रचा है। पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ साथ मशहूर पहलवान बबीता फोगट भी सामने आई। उन्होंने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए कहा कि देशभक्ति किताबों से नहीं आती,